तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में। आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में। तो आज हम लिक्विड की चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि विस्कोसिटी है। ठीक है, विस्कोसिटी को इसके अलावा हम उर्दू में कहते हैं बेटा लजूजियत। तो विस्कोसिटी होती क्या बेटा, जब आप किसी लिक्विड को बहाते हैं, उसको फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड हैं उनके बहाव में रुकावट आता है। ठीक है, तो अगर क्या बेटा, अगर आप पानी को बहाते हैं, ठीक है, और उसी के मुकाबले में शहद को बहाते हैं, तो कौन जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, तो पानी जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगी, इसी के मुकाबले में जो शहद जो है वो कम फ्लो करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो आपके पास पानी मौजूद है, ठीक है, तो मिसाल बेटा कोई भी लिक्विड है उसमें क्या बेटा लेयर्स मौजूद होती है। ठीक है, उसमें क्या बेटा मॉलिकुलर लेयर होती है। तो अगर पानी है उसमें भी मॉलिकुलर लेयर है, शहद है उसमें भी मॉलिकुलर लेयर मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप पानी को बहाएंगे तो उसके क्या बेटा मॉलिकुलर लेयर के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगी वो कम होगी। ठीक है, और इसी के मुकाबले में अगर आप शहद को बहाएंगे उसके जो मॉलिकुलर लेयर के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर क्या है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसके बहाव में रुकावट आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो शहद की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या है बेटा उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसी के मुकाबले में पानी है, ठीक है, उसके दरमियान जो मॉलिकुलर लेयर के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस है शहद के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से पानी की जो विस्कोसिटी है वो शहद के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, तो आज हम विस्कोसिटी को समझते हैं और किस तरीके से इसको लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा अ लिक्विड मे बी कंसिडर टू बी कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिकुलर लेयर। तो कोई भी लिक्विड अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें मॉलिकुलर लेयर्स मौजूद है। ठीक है, अरेंज वन ओवर द अदर, तो मॉलिकुलर लेयर एक दूसरे के ऊपर है। तो व्हेन अ शेयरिंग फोर्स इज अप्लाई टू अ लिक्विड, तो जब भी आप लिक्विड के पे शेयरिंग फोर्स लगाएं तो वो लिक्विड क्या बेटा बहती है। ठीक है, तो जिस जानेब आप फोर्स लगाएंगे लिक्विड उसी जानेब बहेगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा इट फ्लो। हाउ एवर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या है बेटा कोई भी अगर दो सरफेस है उनके दरमियान क्या बेटा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद होते। ठीक है, तो अगर सोचे मैं अपने हाथ को यहाँ पे क्या बेटा मूव करवाता हूँ सरफेस पे, जो कि आसानी मूव करे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वॉल पे मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो मेरी हाथ है वो आसानी से मूव नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, यानी कि रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा जब कोई लिक्विड जो है वो बहता है तो उसके मॉलिकुलर लेयर के दरमियान क्या है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यानी जो विस्कोसिटी है वो भी तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक इंटर मॉलिकुलर फोर्स, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा मॉलिकुलर साइज। तो इनमें क्या बेटा इनमें चेंज आने की वजह से विस्कोसिटी की वैल्यू में भी फ़र्क आता है। तो आप देखेंगे बेटा किस तरीके से विस्कोसिटी की वैल्यू किसी लिक्विड की ज़्यादा होती है और किस तरीके से किसी लिक्विड की विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, हाउ एवर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो लेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इसी वजह से क्या बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है टू दिस फ्लो। ठीक है, तो जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल के लेयर के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जिस लिक्विड के मॉलिक्यूलर लेयर के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखते बेटा, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा विस्कोसिटी ज़्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम विस्कोसिटी कम। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा फ्लो नहीं करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम लिक्विड जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, अब विस्कोसिटी की यूनिट देख रहे बेटा, विस्कोसिटी को मेजर करने जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं बेटा वो पॉइस है और सेंटीपॉइज है। ठीक है, तो पॉइस जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है तो इसकी जगह हम सेंटीपॉइज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वन पॉइस जो है वो बराबर होता है आपके पास 10^2 सेंटीपॉइस के। ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा आप इसको समझ जाएँ, तो वन पॉइस बराबर होता है 10^2 सेंटीपॉइस, मतलब 100 सेंटीपॉइस। ठीक है, हम सेंटीपॉइस इस्तेमाल करते हैं, ये जो है वो छोटी यूनिट है। इसके अलावा विस्कोसिटी जो ऐसा यूनिट है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तो उसको आपने रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, इसके फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लिख रहे जो कि हमारी किताब का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बेटा आज देखते हैं बेटा विस्कोसिटी जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बेटा विस्कोसिटी जो डिपेंड करती है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, टेम्परेचर और मॉलिकुलर साइज, अगर इन तीन वेरिएशन आता है तो किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो ऐसी लिक्विड जिनके दरमियान बेटा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, बनिस्बत ऐसे लिक्विड के जिनके दरमियान इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक है। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग विस्कोसिटी ज़्यादा, और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक तो विस्कोसिटी जो है वो भी कम होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा स्ट्रॉन्गर द इंटर मॉलिकुलर फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स हाइयर इज द विस्कोसिटी। ठीक है, तो लाइक बेंजीन गैसोलीन, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेंजीन क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर, बेंजीन जो है बेटा वो नॉन पोलर है, लेकिन आप इससे वाकिफ नहीं होंगे लेकिन आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा।
तो बेंजीन का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो बेटा आपके पास नॉन पोलर है। इसी तरीके से गैसोलीन जो है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसमें भी क्या है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती है बेटा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज, जो कि सबसे वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो बेटा बेंजीन और गैसोलीन विच कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पॉजिस वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी LDF लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज एंड हैव रिलेटिवली लो विस्कोसिटी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ही वीक होती हैं, तो इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी और ये जो मॉलिक्यूल है ये आसानी से फ्लो कर जाएंगे क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर लेयर्स के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगी। तो इस तरीके से बेटा इन मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी कम होगी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी क्या है बेटा? बहुत कम होगी, ठीक है। इसके अलावा मोर पोलर लिक्विड, ठीक है, ऐसे लिक्विड जो कि पोलर है जैसे ग्लिसरॉल और मिथेनॉल, ठीक है। अब ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा CH2OH, ठीक है, CH2OH CH2OH, ये क्या बेटा ग्लिसरीन का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। इसको चाहे तो और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन को इधर लगा के, हाइड्रोजन को इधर लगा के, ठीक है। तो क्या बेटा ये काफ़ी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, देख सकते हैं बेटा काफ़ी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। और क्या बेटा इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही मौजूद है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या बेटा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होंगे, इसमें भी क्या बेटा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज मौजूद होंगे। देखिए ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से लेके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेंगे। इसी तरीके से अगर मिथेनॉल है जिसका फॉर्मूला है आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्म CH3OH, ठीक है। देखिए बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में लिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या बेटा हाईली पोलर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेटा मोर पोलर लिक्विड सच एज ग्लिसरॉल और मिथेनॉल, ठीक है, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज एंड पॉजिस हाई विस्कोसिटी। तो ग्लिसरॉल और मिथेनॉल के दरमियान जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो क्या है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, आसानी से फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज समझ लिया। अब इसके अलावा बेटा इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज देखते हैं बेटा वाटर में और एसीटोन में, ठीक है। तो वाटर इज मोर विस्कस देन एसीटोन, तो पानी जो है ज़्यादा विस्कस क्यों है एसीटोन से, ठीक है। तो पानी की जो मॉलिक्यूल्स की लेयर है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों शो करती हैं बनिस्बत एसीटोन के? पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों होती है एसीटोन से, ठीक है। तो बेटा जो एसीटोन का आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो है बेटा सी डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? एसीटोन का, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। तो देखिए बेटा इसमें डाइपोल बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? डाइपोल। तो ये जो कार्बन है दूसरे एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ डाइपोल बनाएगा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे एसीटोन के कार्बन के साथ लिंक होगा, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनेंगे, ठीक है। तो एसीटोन में क्या है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो डायपोल को मैं डी डी लिख दे रहा हूँ, डी डी, ठीक है। इसे जो वाटर है आप जानते हैं वाटर में कौन सी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं तो क्या है बेटा इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी मॉलिकुलर लेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा वाटर इज मोर विस्कस देन एसीटोन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज प्रेजेंट इन एसीटोन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन एसीटोन के लिए आपकी बुक में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेटा यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है एसीटोन में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज को समझ लिया। अब दूसरा फैक्टर बेटा आपके पास टेम्परेचर, तो क्या है बेटा अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके फ्लो में इजाफा होगा कि कमी वाकई होगी? तो बेटा अगर आप किसी लिक्विड में टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो उसमें फ्लो में आसानी होगी, यानी जो लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। आसानी से क्यों फ्लो कर जाएगा बेटा? जब आप उसको हीट एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो वो आसानी से फ्लो करेंगे, ठीक है। तो जब क्या बेटा आसानी से फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो आए देखें बेटा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा? विस्कोसिटी में कमी वाकई होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी कम, टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी कम, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हनी इज मोर विस्कस एट रूम टेम्परेचर, शहद है रूम टेम्परेचर में वो ज़्यादा विस्कस होगा, वो ज़्यादा मुजाहमत शो करेगा, उसमें ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। बट कैन बी मेड थिन ऑन हीटिंग, तो हनी अगर हीट करें गर्म हो जाए, ठीक है, गर्मियों में तो वो ज़्यादा थिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होगी, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा वेजिटेबल ऑयल बिकम लेस विस्कस, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल को आप पैन में डालें तो हीट एनर्जी की वजह से क्या बेटा उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस में कमी आती है, वो आसानी से फ्लो करता है, ठीक है।
तो वेजिटेबल ऑयल अगर आपके पास जार में पड़ा हुआ है तो उसमें ज़्यादा आपको विस्कस लगेगा, लेकिन आप उसको पैन में डालें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो विस्कोसिटी है उसमें कमी वाके हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा टेम्परेचर के हवाले से हमारे पास टेबल मौजूद है, तो चार मुख्तलिफ सब्सटेंस की विस्कोसिटी की वैल्यू हमें दी गई मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। तो चार सब्सटेंस कौन से बेटा? एसीटोन, वाटर, इथेनॉल और ग्लिसरीन। ठीक है, तो एसीटोन की विस्कोसिटी देखेंगे बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि आपके पास मौजूद है 0.395 सेंटीपॉइज में। ठीक है, किसने बेटा? सेंटीपॉइज में विस्कोसिटी हमें दी गई है। तो इसी जगह देखें बेटा टेम्परेचर इंक्रीज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, विस्कोसिटी कम हो गई एसीटोन की, जो कि हो गई 0.322 सेंटीपॉइज। ठीक है, और इसी जगह बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड विस्कोसिटी में और कमी आई, वो हो गई 0.246। क्लियर है ना। वाटर की विस्कोसिटी देखें बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1.789, 20 डिग्री सेंटीग्रेड विस्कोसिटी में कमी वाकई हो गई 1.005, 50 डिग्री सेंटीग्रेड विस्कोसिटी में और कमी वाकई हो गई, वो हो गई बेटा 0.55। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बेटा विस्कोसिटी में कमी वाकई होती है, ये बात तो क्लियर है। और टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी में इजाफा होगा। इसके बैक हैंड पे आ जाए तो टेम्परेचर कम करें तो विस्कोसिटी में इजाफा होगा, ये बात तो क्लियर है, कोई मसला तो नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है बेटा आपके पास मॉलिकुलर साइज। तो अगर मॉलिकुलर साइज ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर मॉलिकुलर साइज कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिकुलर साइज ज़्यादा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, बनिस्बत ऐसे मॉलिक्यूल के जिसके मॉलिकुलर साइज कम है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो मॉलिकुलर साइज को देख लेते हैं। तो लिक्विड्स ऑफ लार्जर मॉलिकुलर साइज आर हाईली विस्कस। ठीक है, तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिख जाए जिनका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो वो बेटा आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो उनका जो आपके पास विस्कोसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होगी, इसकी वजूहत को जान लेते हैं। तो बिकॉज देयर मॉलिकुलर चेन गेट्स टैंगल अप इन ईच अदर। ठीक है, तो लार्जर मॉलिक्यूल के जो मॉलिकुलर चेन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, तो मॉलिकुलर चेन जो है वो आपस में उलझ जाते हैं, तो उलझने की वजह से क्या बेटा उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो बड़े मॉलिक्यूल में क्या है बेटा जो लार्जर चेन है वो टैंगल हो जाती है, तो इस वजह से वो आसानी जो है वो मूव नहीं कर सकती, इस वजह से वो क्या कहलाती है बेटा विस्कस कहलाती है। ठीक है, बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर चेन गेट्स टैंगल अप इन ईच अदर एंड क्रिएट मोर फ्रिक्शन टू फ्लो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पैराफिन ऑयल, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑयल, इसके अलावा मोटर ऑयल। तो मोटर ऑयल देखा होगा आपने, जो इंजन ऑयल होता है काफ़ी थिक होता है, काफ़ी विस्कस होता है। विस्कस क्यों होता है बेटा, उसकी जो मॉलिक्यूलर चेन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टेंगल हो जाते हैं, तो इस वजह से उसकी विस्कोसिटी में इजाफा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आप गाड़ी वगैरह के ऑयल लें तो उसमें लिखा होगा बेटा 30 वाट, 40 वाट। ठीक है, वाट नहीं होता, W के मायने विंटर होता है। ठीक है, अभी आप ऐसा समझ लें। ठीक है, तो 40, ठीक है, 40W, 30W। तो बेटा सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसी होगी बेटा 40W की होगी, और उसके अलावा 30W की जो है विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। मैंने गलती से वाट कह दिया, इसका मतलब विंटर होता है। ठीक है, वैसे तो आप सिर्फ याद रखें 40W, 30W। तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी बेटा, जिसकी 40W लिखा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उस ऑयल की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पैराफिन ऑयल एंड मोटर ऑयल, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूलर चेन होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, तो आर विस्कस ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो दी हाई विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ड्यू टू, तो हनी की भी हाई विस्कोसिटी होती है। क्यों? तो हनी के जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हनी में ज़्यादातर क्या पाया जाता है बेटा, सक्रोज पाया जाता है। ठीक है, तो सक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज़्यादा होता है। दी हाई विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर साइज एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सक्रोज है तो उसमें क्या बेटा आपके पास हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे, तो क्या है बेटा उसमें ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, तो वो क्या बेटा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या बेटा शहद की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी मामला ख़त्म नहीं, एक बात और देखें। ठीक है, तो बेटा ये इथेनॉल है, ठीक है, और ये मिथेनॉल है। तो इथेनॉल मिथेनॉल एक ही ग्रुप के मेंबर है। ठीक है, दोनों ही अल्कोहल है। इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो देखें इन दोनों में से बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी ज़्यादा होगी? किसमें ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा? इसमें ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है, और इसका मॉलिक्यूलर साइज़ कम है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा। तो बेटा इथेनॉल की जो विस्कोसिटी की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो है बेटा 1.19। ठीक है, और मिथेनॉल की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास वैल्यू है विस्कोसिटी की वो है बेटा 0.59 CP सेंटीपॉइज। ठीक है, क्लियर। तो देख सकते हैं बेटा मॉलिकुलर साइज किस तरीके से असरअंदाज होता है। ठीक है, तो दोनों ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखते हैं,
तो इस तरीके से बेटा इस वीडियो में हमने सीखा बेटा विस्कोसिटी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए जरा दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।